फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं हूँ फैमुल मलिक, आप देख रहे हैं फैमुल मलिक व्लॉग्स। आज की वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैं इतने दिन से कहाँ पे था, मैंने 2 हफ्ते से कोई व्लॉग अपलोड क्यों नहीं किया। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगे, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेट्स गो। ठीक है हमारे पास के मैंने कोई वीडियो अपलोड क्यों नहीं की, कोई व्लॉग अपलोड क्यों नहीं किया। तो बात कुछ ऐसी है कि जब मैंने 1 अगस्त को वीडियो अपलोड करी, उसके 1 या 2 दिन के बाद मैं फॉरेस्ट ट्रैकिंग पे चला गया। मैंने पूरी वीडियो शूट करके रखी थी, और मैं कोई ये 5 अगस्त की शाम की बात है, मैं वीडियो एडिट कर रहा था। मैंने वीडियो एडिट करके रखी पूरी, और वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी। मेरे को लगा बाद में एक्सपोर्ट कर देता हूँ। मैं गैलरी में गया, जितने भी शॉट्स मतलब लिए थे मैंने सारे डिलीट कर दिए। वापस आया एक्सपोर्ट करने के लिए, देखा सारे शॉट्स मिसिंग थे, उसमें कुछ ही शॉट्स बचे थे, मतलब 3 या 4 शॉट्स, बाकी सब मिसिंग थे। आपको थोड़ा सा ट्रेलर भी दिखाऊंगा मैं उसका, जो शॉट्स थे। तो फ्रेंड्स, ये थी वो वीडियो, फॉरेस्ट ट्रैकिंग, ए शॉर्ट सिनेमैटिक वीडियो, बट ये डिलीट हो गई थी मेरे से। बहुत ज़्यादा दुख हुआ एक्चुअली, मेरे को पता नहीं था। मेरे को लगा मैंने वीडियो एडिट कर ली है, खाली एक्सपोर्ट करनी है, तो मैंने शॉर्ट्स जितने भी लिए थे वो डिलीट कर दिए। पता नहीं था मेरे को कि वीडियो में भी ऐसा कुछ होगा कि सब शॉर्ट्स मेरे डिलीट हो जाएंगे। मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था जितनी वीडियो डिलीट हो गई, क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने बड़ी ज़्यादा मेहनत की थी। मतलब धूप थी बहुत ज़्यादा, मैं बिल्कुल दिन को गया था वहाँ पे, बहुत मेहनत से वीडियो शूट की थी मैंने, बट किस्मत यही थी, इसने डिलीट होना था वो हो गई। अभी सेकंड टॉपिक है हमारा कि मैं इतने दिन से कहाँ था। तो जब ये वीडियो डिलीट हुई, मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया उसके बाद, तो मैं कॉलेज चला गया था, कुछ काम था कॉलेज में, ऑफिशियल वर्क था, और बुक्स वगैरह भी लानी थी वहाँ से। तो मैं वहाँ पर भी वीडियो शूट नहीं कर पाया, क्योंकि बस से गए थे हम, गर्मी थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स तो ले ली हैं, आप उनको इन्जॉय करिए, मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको कॉलेज का नाम बताना भूल गया। मेरे कॉलेज का नाम है वैष्णो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। ये मेरा कॉलेज, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को पता होगा जो कि वहाँ से हैं, मेरे साथ हैं, उनको पता होगा कि पठानकोट से 6 या 7 किलोमीटर दूर है। बाकी जिनको नहीं पता तो वो बता रहा हूँ मैं। अब करिए वीडियो को एंजॉय, मिलते हैं वीडियो के एंड में। तब
फ्रेंड्स यही थे वो कुछ शॉर्ट्स जो मैंने लिए थे। सॉरी मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय।